bio-inspired computation, or it can also be referred to as biologically inspired computation. इस मॉड्यूल में हमने बायो इंस्पायर्ड या बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उसका बेसिक आइडिया डिस्कस करना है कि बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन क्या है, कहां कहां पे इसकी यूसेजेस है, कौन से उसके फील्ड्स है और क्यों इसकी इमरजेंस हुई, ये हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. पहले हम बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट लेते हैं. जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, दे आर एबल टू कोप विद देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट. दे हैव द एबिलिटी टू कोप विद देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट बिकॉज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग विद रेफरेंस टू टाइम. जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो फिर सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं और उनका जो एग्जिस्टेंस है, देयर एग्जिस्टेंस इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन नेचर. और हमारे सामने देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स अ प्रेजेंट जो स्पीशीज, जो ऑर्गेनिजम्स मॉडिफिकेशंस नहीं कर सके, जो अपने अंदर चेंजेस विद रेफरेंस टू चेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं कर सके, दे हैव बीन वैनिश्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट लाइक डायनासोर्स और सम अदर ऑर्गेनिजम्स. बट majority of the organisms have this ability to cope with the changing environment, and if they are using this ability to cope with their changing environment, so it means that they are using basically a very different approach to solve their problems as compared to the problem solving approaches which are traditionally used by humans. Kyunki mankind jo hai wo bhi अपने कुछ रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उसने कुछ अप्रोचेस डिज़ाइन किए हैं, इंजीनियर किए हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं. बट दीज अप्रोचेस आर नॉट एबल टू मॉडिफाई विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. अगर उस सिनेरियो में कुछ चेंज आता है तो वो प्रॉब्लम सोल्यूशन क्राइटेरिया जो है वो उस स्पेसिफिक बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही चलता है, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं ला सकता. सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन नेचुरल सिस्टम्स एंड मैन इंजीनियर्ड सिस्टम्स. इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, इफ़ दे आर दैट मच डायनामिक, सो इट मीन्स दे आर अडॉप्टिव. अडॉप्टिव मीन्स दे कैन मेक अडॉप्टेशंस टू देम सेल्व विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. दे आर रिएक्टिव आल्सो. दे कैन रिएक्ट टू द स्टिमुलस, दे कैन रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एज वेल बिकॉज उनको जो लॉजिक्स है, जो फिनोमिनाज है, दे आर वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल वे में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ दे आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल टास्क, बिकॉज एवरी टाइम बायोलॉजिकल सिस्टम्स कैन वर्क इन अ मल्टीटास्किंग अप्रोच. सो मल्टीटास्किंग अप्रोच में वो बैक वक्त मल्टीपल काम कर सकते हैं, वो मल्टीटास्किंग करते हैं, तो वो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वे में इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, जो भी अप्रोचेज है या जो उनके इनसाइट्स है उनको वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में और पैरेलल वे में यूज़ कर रहे हैं. जबकि जो हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं उनमें ये एबिलिटी बड़े मुश्किल से हम उसके अंदर मैप कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेललिज्म की. बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग जो है, दिस इज़ बेसिकली अ फील्ड विच इज़ स्पेसिफिकली डिवोटेड टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. क्योंकि बायोलॉजी से इंस्पायर्ड होके कुछ अप्रोचेस डिज़ाइन किए गए हैं टू सॉल्व सम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो पहले उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था. टू टेकल विद ऑल दोज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड कंप्यूटेशंस की तरफ रिसर्चर्स ने कदम बढ़ाया और अभी तक टिल डेट दीज अप्रोचेस आर वेरी सक्सेसफुल अप्रोचेस टू टैकल विद दीज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. सो इट इज़ अ फील्ड विच लूजली इंटीग्रेट टूगेदर the sub fields of connectionism ko isne note kiya hua hai, social behavior and emergence ki jo sub fields hai. So it is integrating and relying upon these different types of sub fields, jisme connectionism hai, emergence hai aur social behavior hai. To jo dynamic nature hai wo inhi कॉन्सेप्ट्स की वजह से इन सिस्टम्स के अंदर आया हुआ है. सो दैट्स व्हाई
जब भी हम बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड कंप्यूटेशंस की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आएंगे और इसको हमने डील करना होगा. एंड इज ऑफन दिस फील्ड ऑफ बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन इज समवट क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट्स वाई इट्स बिकॉज इट्स परसूट्स आर मेजरली लिंक टू मशीन लर्निंग. सो बाय इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है, इसे काफ़ी मिलता जुलता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो, चूंकि उसकी इंस्पायरेशन जो है वो नेचुरल सिस्टम से ली गई है कि नेचुरल सिस्टम कैसे इंटेलिजेंटली प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, और बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन भी नेचर से इंस्पायर्ड है और कुछ ऐसी ही अप्रोचेज यूज़ कर रही है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को नेचुरल सिस्टम्स कैसे सॉल्व करती है. तो वो ये भी तकरीबन वैसी अप्रोचेज यूज़ कर रही है. एंड दिस फील्ड इज़ रिलाई हैविली इट रिलाइज हैविली ऑन बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है. बायोलॉजिकल सिस्टम की करेक्टराइजेशन पहले ज़रूरी है. इट रिलाइज हैविली ऑन along with biology on computer science and mathematics as well, क्योंकि computers के through उसके simulations और mathematics के through उसकी modeling करनी पड़ती है, और ये दोनों ये सारे approaches मिल के तो फिर एक biological inspired computation का field बनाती है. अगर हम इसको थोड़ा सा, जितनी भी हमने discussion की इनको हम sum up करें, तो biologically inspired computation is basically the use of computers to solve biological phenomena or life related phenomena, but simultaneously it is also the use of biological systems to modify or to enhance the capabilities of computer usages. So dono angle se biologically inspired computation jo field hai wo in dono angle se kaam kar rahi hai ki computer use karke biology ke problems phenomena ko model solve karna, ya biology ko use karke computer usages ko improve karna. So dono angle se ye फील्ड जो बना रही है, एक ज़बरदस्त टाइप का फील्ड है बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन, और स्पेशली फोकस जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ है. एंड दिस फील्ड इज़ बेसिकली सब फील्ड ऑफ द मेजर फील्ड ऑफ नेचुरल कंप्यूटिंग. नेचुरल कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है, उस अम्ब्रेला के अंदर कुछ सब फील्ड आ रहे हैं जिसमें बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन इज़ वन ऑफ द सब फील्ड ऑफ दैट बिग अम्ब्रेला ऑफ द नेचुरल computing. There are a number of areas which encompass the usages of biological inspired computation, jiske andar kuch areas yahan pe maine highlight ki hui hai, jisme aise genetic algorithms ek area hai jisme iske applications hai. Genetic algorithms ek study area hai. Cellular automata hai for life related process se problem kaam karne ke liye. Cellular automata mein एप्लीकेशंस है और वो भी इसका एक स्टडी एरिया है. इसी तरह से इमर्जेंट सिस्टम्स है, न्यूरल नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल लाइफ है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है, ये आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम है, और भी इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स है, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ है जो जिसमें बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन के जो एप्लीकेशंस है या उन स्टडी एरियाज़ में ये यूज़ हो रही है. सो देयर आर नंबर ऑफ अ बिग लिस्ट ऑफ दोज एरियाज़ व्हिच एनकंपास द usages of this study area.